से बताते हुए बड़ी खुशी है कि एक लूट और डकैती और अपहरण का एक बहुत बड़ा गैंग जिस पर दिल्ली पुलिस ने 50-50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। तो आज हमारी टीम ने कल 7 बजे शाम को धर दबोचा है और उनसे जो प्राथमिक पूछताछ की गई है उसमें हमें 3 हत्या के और करीब 23 लूट के मामले सामने आए हैं उसमें। और जो पिछले 5 लूट की घटनाएँ हिसार में हुई थी कुछ दिनों से और प्लस एक फतेहाबाद में, इन्होंने कबूला है और 3 आदमी उसमें पकड़े गए हैं, 4-5 की निशानदेही उन्होंने की है, हम उनके करीब हैं। और इस कैच के साथ मुझे विश्वास है कि हम लूट की घटनाओं को सॉल्व कर पाएंगे और बचे कुचे को और बाकी गैंग के सब पीछे ज़्यादा टाइम लगा पाएंगे। ये दो जो मैं जैसा आपको मैंने बताया ये मित्रों के रहने वाले हैं, जो प्रवीण और अलियास बब्बू है और आपका साजन है, और वहाँ 3 हत्याओं के मामलों में ये वांछित है और दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर 50-50 का इनाम घोषित कर रखा है और 10 लूट की वारदात जो उन्होंने दिल्ली में कर रखी है, गाड़ी छीनने की, पैसे छीनने की। इस सारे प्रकरण में एक बात जो सामने आई है कि ये जो अपराधी थे होटलों में ठहरते थे और उनको मैंने चिन्हित कर लिया है और होटल वालों से लड़कियों की सप्लाई भी लिया करते थे और उन्हीं लड़कियों को ये कार में बिठा के फिरते थे जिससे कि ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब होते थे। हम होटल वाले के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।